वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं नाये गांव में भजनलाल डेयरी फार्म। तो आइए देखते हैं, ये है यहाँ पर कॉरिडोर। यहाँ पर आपको स्लिप लेनी है और आपको फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर है नर्सरी। चलिए अब हम चलते हैं आगे फार्म की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी भैंसे हैं जो कि रोड के इस पार भी हैं, रोड के दूसरी पार भी हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए, मतलब देखते रह जाइए, इतनी साफ सुथरी भैंसे हैं, कितनी सारी, काउंटिंग भी नहीं कर सकते कि कितनी भैंसे हैं। ये देखिए, आप देखकर ही अप्रोक्स लगा सकते हो कि 1000 एवं तो ये भैंसे होंगी ही होंगी। और ये रोड सेम रोड के इस पार भी है, रोड के दूसरी पार भी है, गाय का भी है, भैंस का भी है। और यहाँ पर फ्रेश प्रोडक्ट मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मलाईदार लस्सी, ठंडाई, मसाला दूध, घी है भैंस और गाय का, मावा, बर्फ़ी, कलाकंद, पनीर, केसर, श्रीखंड, गुलाब जामुन, सब कुछ। मेरे को तो मज़ा आ गया आज यहाँ पर आकर। ये देखिए मेरी आज की शॉपिंग। तो अब टाइम है घर जाने का और इन सारे प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। यहाँ मिलता है दूध, ये भजनलाल दूध, मावा बर्फी, काजू कतली, दूर बासुंदी, बासुंदी, छाछ। तो यहाँ पर सब कुछ है फ्रेश फ्रेश आइटम। और मावा बर्फी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये देखिए, देखते ही काजू कतली, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और ये मावा बर्फी तो मज़ा ही आ गया खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग भी जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ की सबसे टेस्टी छाछ फ्रेश, और इसमें प्रॉपर मलाई आ रही है और मक्खन आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी छाछ है, मतलब कि इतनी प्योर मैंने कभी नहीं पी। ये फ्रूट बासुंदी है, ये बासुंदी है, दोनों मतलब कि इतनी ज़्यादा टेस्टी कि मेरे मुँह में अभी देख देख कर ही पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप लोग नायगांव साइड जाएँ तो भजनलाल की फार्म डेयरी पे ज़रूर जाएँ, मतलब कि दिन बन जाता है, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।